व्यूअर्स आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ कि अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचे जिससे आपको फायदा भी हो आज की जो वीडियो है वो मौसम के लिहाज से है इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत सारी क्रीम्स एंड मॉइस्चराइजर लोशंस जो आपको यूज करने चाहिए समर में भी और विंटर्स में भी अच्छा फर्स्ट वन जो है मैं आपके साथ यहाँ पे लोशन शेयर करूँगी वो है केयर नेचुरल हनी लोशन ये बहुत लाइट वेट टेक्स्चर में है आप इसको समर्स में और विंटर्स में दोनों में यूज़ कर सकते हैं ये बहुत पुराना फार्मूला है बहुत टाइम से पाकिस्तान में अवेलेबल है और इसकी अच्छी बात ये, ये रिज़नेबल भी है मार्केट में जो बाकी लोशन अवेलेबल हैं या मॉइस्चराइजर्स हैं उसकी नस्बत इसकी प्राइस अभी भी बहुत कम है Uh, मैंने जब ये परचेज़ किया था तो मुझे कुछ अराउंड ये सेवन हंड्रेड रुपीज़ का मिला था और इसकी जो ये बॉटल आती है ये थ्री टेन थ्री हंड्रेड टेन एम एल की ये इसकी बॉटल होती है और सेवन हंड्रेड इसकी प्राइस थी जब मैंने परचेज़ किया था अब जो है पता नहीं कितनी हो गई होगी क्योंकि आप आज चीज़ लेकर आ रहे हैं और अगले दिन फिर वही चीज़ लेंगे तो प्राइस इतनी तेज़ी से इनक्रीज होती जा रही है Uh, साथ जो है वो इसकी uh, जो फॉर्मूलेशन है वो इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं इसके अंदर एलोवेरा आलमंड ऑयल और सिलिकॉन ऑयल और सबसे जो अच्छी चीज़ लगी वो ग्लेसट्रीन एंड प्योर गोल्डन हनी इन्होंने लिखा हुआ कि ये चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं जो आपकी स्किन को फेयर uh, की तरफ लेके जाती हैं फेयरनेस की तरफ और एंटी एजिंग है प्लस ये सॉफ़्ट रखता है आपके हैंड्स एंड फीट को अगर आप इसको अप्लाई कर रहे हैं साथ इसकी बात यह है कि इसकी शेल्फ लाइफ थ्री इयर्स है नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नीविया की नेचुरल फेयरनेस क्रीम ये इनकी आप आप इसको मॉइस्चराइज़र कह सकते हैं विद यूवी फिल्टर्स के साथ ये क्रीम अवेलेबल है बॉडी क्रीम है ये आप इसको फुल बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं प्लस योर फेस हैंड एंड फीट भी uh, ये जो है नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है लेकिन इसका जो फार्मूला है मैं आपको कहूँगी कि ये समर्स के लिए ज़्यादा बेस्ट था जो मौसम अभी पीछे गुजरा है या गुजर रहा है उसके लिए इसका फॉर्मूला बहुत अमेजिंग था आप उसमें ये यूज कर सकते हैं ये जार है छोटा सा जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये टू हंड्रेड का जार है ये जो क्रीम है इसके ऊपर तो इन्होंने इसकी इंडिकेशंस या फिर जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो मेंशन नहीं किए हुए अदरवाइज सेम फार्मूला जो है वो हमें लोशन में भी मिलता है लेकिन लोशन के ऊपर जो है उसकी सारी डिटेलिंग मेंशन होती है कि क्या इंग्रेडिएंट्स हैं इसके आपको कोई भी जो क्रीम मॉइस्चराइज़र लोशन जो ये क्लेम कर रहा होगा कि वो फेयरनेस लोशन है तो उसके अंदर कोई ना कोई सिट्रिक एसिड ज़रूर मौजूद होगा तो इसके अंदर सिट्रिक एसिड भी है इसके अलावा फॉस्फेट जो है सोडियम फॉस्फेट वो इसका मेन इंग्रेडिएंट होता है और ग्लिसन भी हर लोशन के अंदर ज़रूर इन्होंने ऐड की होती है और परफ्यूम क्योंकि इसकी स्ट्रॉग स्मेल है तो परफ्यूम भी इसके अंदर आ, मुझे यकीन है कि होगा लाजमी इन्होंने क्रीम के ऊपर मेंशन नहीं किया हुआ लेकिन परफ्यूम होगा क्योंकि इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होती है अच्छा ये जो फार्मूलाज हैं दो लोशन जो है वो 400 हंड्रेड में मिलता है जबकि क्रीम आपको जार में 200 हंड्रेड में मिलती है ये समर्स के लिए हैं इसके अलावा सेम एक इनका शिया बटर के नाम से एक लोशन आता है जो कि मेरे राइट हैंड में आपको ब्लू बॉटल में नज़र आ रहा होगा इसका बहुत थिक फॉर्मूला है लाइक थिक इस तरह से कि आप कह सकते हैं कि ये आप विंटर्स में यूज कर सकते हैं विंटर के लिहाज से ये बहुत अच्छा फार्मूला है आप इसको यूज़ करें बहुत टाइम तक आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है जो मॉइस्चर है उसको लॉक करता है या आपकी स्किन के अंदर Uh, और जो है ये विद शिया बटर के साथ है शिया बटर बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट होता है आपकी स्किन uh, के लिए आपकी स्किन को ये अच्छे से हाइड्रेट रखता है और मॉइस्चर को लॉक रखता है आपकी स्किन के अंदर सो so, इसकी प्राइस जो है uh, वो अब ट्वेंटी टू हंड्रेड रुपीज हो चुकी है बहुत एक्सपेंसिव डे बाय डे होते जा रहे हैं लोशंस uh, लोग जो हैं वो अक्सर कमेंट्स में कहते हैं कि इसकी प्राइस बता दें तो ज़रूरी नहीं है कि जो प्राइस मैं आपको बताऊं जब आप मार्केट में लेने जाएं आपको भी सेम चीज़ उसी प्राइस पे मिल जाए प्राइजेस जैसे चेंज हो रहे हैं हो सकता है कि आपको कुछ कमी या पेशी नज़र आए नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सीटाफिल का मॉइस्चराइज़र ये भी लोशन फॉर्म में है यानी आपको नजर आ रहा होगा ये पम्प लोशन है ये टू थर्टी सिक्स एम एल की ये बॉटल है बहुत लाइट वेट है और हाइड्रेशन uh, के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं डेली बेसिस पे ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ़ बड़ों ने यूज़ करना है इसको बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये नॉन ग्रीसी है और एक इसकी अमेजिंग चीज़ यह है कि फ्रेगरेंस फ्री है इसके अंदर किसी भी किस्म की इन्होंने फ्रेगरेंसिस ऐड नहीं की हुई मुझे ये बहुत पसंद है डर्माटोलोजिस्ट जो हैं वो इसको प्रेफर करते हैं और रिकमेंड करते हैं अच्छा मैंने जो है वो ये तीन बॉटल्स इकट्ठी मंगवाई थी और मैंने ये मंगवाई थी कोई दो में यानी लास्ट ईयर मैंने ये मंगवाई थी तीन बॉटल्स जिसमें से दो मैं यूज़ कर चुकी हूँ ऑलरेडी अब ये तीसरा मेरे पास लास्ट पीस बचा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि कोई 2000 से 2500 के करीब आपको ये इसकी एक बोतल मिल जाएगी इजीली। फॉर्मूलेशन की बात की जाए तो फार्मूला इसका बहुत अच्छा है टेक्सचर बहुत स्मूथ है लाइट वेट है नॉन ग्रीसी है कलर इसका नहीं है आप अपनी स्किन पर लगाएं तो वैसे लग रहा होता है कि ये वाइट वाइट कास्ट है लेकिन लगाते लगाने के बाद जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इसका टेक्स्चर है Uh, और इसकी जो एक बात है वो ये कि uh, इसको जो है आप बॉडी एंड फेस दोनों पे इस्तेमाल कर सकते हैं ऑल स्किन टाइप्स के यूज़ के लिए ये बनाया गया है सिर्फ स्पेसिफिकेशन uh, नहीं है कि सिर्फ इसको जो है वो नॉर्मल स्किन के लोग यूज़ करेंगे या सेंसिटिव वाले यूज़ करेंगे बल्कि एवरी स्किन टाइप इसको यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट वन इज द बॉडी शॉप कोकोनट मिल्क बॉडी लोशन इसका टेक्सचर बहुत अमेजिंग है सबसे अच्छी इसकी बात यह है कि ये बहुत लाइट वेट है आपकी बॉडी को मॉइस्चराइज़ तो करता ही है लेकिन उसके साथ इसका टेक्सचर बिल्कुल ऐसा है कि आपने अभी लगाया और अभी लगा ही नहीं कि आपने कुछ अप्लाई किया हुआ है इतना लाइट इसका टेक्सचर है मैं रिकमेंड करूँगी कि गर्मियों के लिए ये बहुत मुफीद है आप गर्मियों में इसको रख सकते हैं अपने पास इसकी शेल्फ लाइफ भी ट्वेल्व मंथ्स है और उसके साथ साथ इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये मेड इन यूके है टू फिफ्टी एम का आपको ये आ, पंप बॉटल मिलेगी और बॉडी शॉप की शॉप जो है वो आप किसी भी शॉप स्टोर से भी ले सकते हैं आप इसको इसके अलावा ऑनलाइन भी इनका पेज है आप डायरेक्ट वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं मुझे ये गर्मियों में लगाने के लिए अच्छा लगता था क्योंकि इसका टेक्सचर जो है वो बहुत लाइट वेट है लेकिन अगर आपकी स्किन सुपर ड्राई है तो फिर ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहने वाला क्योंकि इसको सिर्फ नॉर्मल स्किन वाले स्किन टाइप वाले लोग हैं वही यूज करें तो ज्यादा बेहतर है उनके लिए इसके अंदर कोकोनट की स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आपको मिलेगी आ, लेकिन इसका फार्मूला बहुत अमेजिंग है नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट टेन ऑलिव रिपेयरिंग एंड फर्मिंग मॉइस्चराइजिंग क्रीम अच्छा ये क्रीम अमेजिंग मुझे इसलिए लगती है क्योंकि ये सिर्फ बड़ों के लिए ही नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी है आप देख के कहेंगे कि नेक्स्ट टाइम तो ब्रांड है ही बच्चों का जी हाँ नेक्स्ट टन बच्चों की चीज़ें बनाता है इनके शैम्पूस लोशंस एंड ऑयल्स इस तरह की चीज़ें ज़्यादा फेमस हैं बट ये क्रीम भी इनकी बहुत अच्छी है आपको बहुत यंगर लुक नज़र आती है अगर आप इसको अप्लाई करेंगे आपकी स्किन बहुत सॉफ़्ट हो जाती है आप रात को सोते हुए इसको अपने पाओ में अप्लाई कर लें और उसके बाद अगर आप सॉक्स पहन के सो रहे हैं तो भी बहुत अमेजिंगली आपको ये इफ़ेक्ट देती है इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत अमेजिंग इन्होंने लिखे हुए हैं और आपकी स्किन को जो है वो ये रिस्टोर करती है और डैमेज जितना होता है उसको रिपेयर करती है इसके अंदर भी आपको खुशबू मिलेगी इसके अंदर फ्रेगरेंस भी है और प्लस इसके अंदर कलर भी है आपको क्रीम का कलर नज़र आ रहा होगा कि वाइट है इट मीनस कि इसके अंदर इन्होंने कलर भी ऐड किया हुआ है इसके अलावा और भी इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स कुछ शामिल हैं लाइक इसके अंदर गलेस्ट्रॉल है जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है और बीज वैक्स जो है वो इसके अंदर एडिड है इस वजह से इसका टेक्स्चर इतना थिक है सर्दियों में ये बहुत अच्छी रहने वाली है आपके लिए नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पॉइंट्स लाइट मॉइस्चराइज़र ये छोटा सा जार है इसका छोटी सी क्रीम है ये फॉर सॉफ्ट ग्लोइंग स्किन विद विटामिन ई एंड ग्लेश्रीन इसके अंदर विटामिन ई एंड ग्लैसरीन है नॉन ऑयली आपको और फ्रेश फील करवाती है uh, इसका छोटा सा ये जार है सेवेंटी फाइव ग्राम इसका वेट है टोटल जो क्रीम आपको मिलेगी इसके अंदर इसके अलावा प्राइस की बात की जाए तो थ्री फिफ्टी रुपीज़ का आपको ये जार मिलेगा अगर आप पॉकेट फ्रेंडली लेना चाहते हैं क्रीम uh, जिसकी प्राइस भी ना ज़्यादा हो और हैंडी हो बहुत ज़्यादा आप उसे कहीं भी बैग में रख ले के लेके जा सकें तो मैं रिकमेंड करूँगी पॉइंट्स आपके लिए है आप इसको लें इसके इंग्रेडिएंट्स भी अच्छे हैं मेन इंग्रेडिएंट्स में इसके विटामिन ई e आ गया जो इसके अंदर विटामिन ई एंड ग्लिसरीन है और प्लस परफ्यूम इसके अंदर बहुत ज़्यादा है मुझे ये इसलिए फार्मूला नहीं अच्छा लगता क्योंकि इसकी खुशबू बहुत तेज है मुझे यूजुअली ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं जिनकी अपनी खुशबू कोई नहीं होती बल्कि आप जब अप्लाई कर लें क्रीम तो उसकी अपनी खुशबू नहीं है आपको खुशबू के लिए अलग से कोई परफ्यूम वगैरह अप्लाई करना पड़ रहा है इस लिहाज से अदरवाइज इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी मुझे लग रहा था कि इसकी शेल्फ लाइफ थ्री इयर्स है अब जो है वो मुझे नज़र नहीं आया यहाँ पे लिखा हुआ कि कितनी है अलबत्त छोटा सा ये जार है जल्दी ख़त्म हो जाएगा अगर आप इसको रेगुलर यूज करते रहेंगे फॉर्मूला में आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कलर इसका व्हाइट है इट मींस कलर एडिड है इसके अंदर टेक्स्चर इसका बहुत अच्छा है आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर देगा नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सिरावी की ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम मुझे पर्सनली सब क्रीम्स में से ये क्रीम ज़्यादा पसंद है क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और मेरी बेटी की स्किन भी सुपर ड्राई है इसलिए मुझे ये फार्मूला बहुत अच्छा लगता है अगर आपको बजट का कोई इशू नहीं है तो आप एक अच्छी क्रीम पर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ये एक ले लें अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है तो भी आप इसका फार्मूला नॉर्मल टू ड्राई वाला आता है आप वो भी ले सकते हैं मैं लेती हूँ ड्राई टू वेरी ड्राई क्योंकि मैंने अपनी बेटी की भी बॉडी पे यूज़ करना होता है आफ्टर शावर तो जब तक जो है एक दिन पूरा जो है निकल जाता है इसके साथ बहुत अच्छे से मॉइस्चराइजिंग में इसका फार्मूला अगर मैं आपको दिखा दूँ तो फार्मूला इसका बहुत अमेजिंग है ये देखें इतना सा अगर आप लगा रहे हैं तो उसी से आपकी स्किन बहुत अच्छे से हाइड्रेट हो जाएगी अच्छा और इसकी प्राइस की बात की जाए तो आपको ये कुछ फ़ाइव थाउजेंड टू फिफ्टी फाइव हंड्रेड रुपीज़ का ये जार मिलेगा इसकी आ, जो अमाउंट आपको मिलेगी इसके अंदर वो फोर फिफ्टी फोर ग्राम्स आपको मिलेगी आ, तो पूरा साल जो है वो चलने वाली है ये क्रीम आपकी और शेल्फ़ लाइफ इसकी भी आ, थ्री ईयर्स है ये मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं सारे घर वाले यूज़ करें आपका ये जार बहुत अच्छे से चलेगा यह सारी चीज़ें थी जो मैंने परचेज की थी आई होप आपको अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो लाइक like करें मेरी वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें थैंक्स फ़ॉर वॉचिंग माई वीडियो अगली वीडियो में हाजिर होंगी किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ अल्लाह हाफिज़